हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जानकारी शेयर करने वाली हूं कि बादाम के कौन कौन से फायदे होते हैं, बादाम को रोजाना हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, बादाम को हमें कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आप सभी के साथ इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि तेज बुद्धि और स्वस्थ शरीर के लिए रोजाना हमें बादाम लेना चाहिए। बादाम के अंदर काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, फाइबर, एसेंशियल फैटी एसिड्स और कई सारे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होते हैं। बादाम के अंदर काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स, कैल्शियम और जिंक पाया जाता है, जो कि हमारी हाइट बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करता है। जिन छोटे बच्चों को परेशानी है कि उनकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, उनका हाइट एज के हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें बादाम को रोज अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अगर सही मात्रा में छोटे बच्चों को प्रोटीन, कैल्शियम और जिंक दिया जाए तो उससे उनकी हाइट बढ़ने में काफी ज्यादा मदद होती है। तो बादाम जिंक का एक काफी अच्छा स्रोत होता है। बच्चों को आप बादाम कैसे देंगे? 4 से 5 बादाम आप रात भर भिगो दीजिए, सुबह उसका छिलका निकाल दीजिए और आप बादाम को दूध में मिक्सी करके आप बच्चों को वो पिला सकते हैं। ये उनकी हाइट बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। जो दूसरा बादाम का फायदा होता है वो ये है कि बादाम हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाता है। बादाम में काफी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है और अगर हम हमारे डाइट में फाइबर रिच फूड आइटम्स को लेते हैं तो ये हमारी पेट को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की परेशानी को दूर करता है। बादाम में इनसॉल्युबल फाइबर और सॉल्युबल फाइबर दोनों काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर बेसिकली हमारी कब्ज की परेशानी को कम करता है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको पानी अपने डाइट में अच्छी मात्रा में ऐड करना है। जब भी आप बादाम या कोई भी हाई फाइबर फूड लें, अगर आपने उसके साथ पानी कम मात्रा में लिया तो कब्ज की परेशानी को दूर करने की बजाय उल्टा आपको कब्ज की परेशानी आ जाएगी। तो बादाम आप जब भी लें उसके साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी ऐड करना जरूरी है। जो तीसरा इसका फायदा होता है कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसे कम करता है। बादाम के अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, विटामिन ई होते हैं, कई सारे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें फाइबर पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। कई सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि जो व्यक्ति बादाम रोजाना अपने डाइट में ऐड करते हैं उनके शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है उनके मुकाबले जो कि बादाम नहीं खाते हैं। और अगर आप रेगुलर बादाम का कंजम्पशन करते हैं, रेगुलर अपनी डाइट में ऐड करते हैं, साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। बादाम का जो अगला फायदा है वो ये है कि बादाम हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। बादाम में पोटेशियम जो है ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और सोडियम कम रहता है। साथ ही साथ इसमें मैग्नीशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा दिल अच्छा रहेगा तो हमारा पूरा शरीर अच्छा रहेगा। तो दिल के स्वास्थ्य पे हमें ज्यादा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्हें भी मधुमेह की परेशानी या फिर डायबिटीज की परेशानी है उन्हें बादाम को रोजाना अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। मधुमेह में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए और बादाम में काफी अच्छी मात्रा में हमें फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बादाम हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। कई सारे स्टडीज में ये देखा गया है कि बादाम के अंदर प्रीबायोटिक के गुण होते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बादाम में कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है, तो अगर बादाम को रोजाना हम दूध के साथ अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। जिन भी महिलाओं को कमर दर्द का परेशानी है या थकान रहती है, छोटे बच्चे जिन्हें थकान रहता है, जिन पुरुषों को हमेशा थकान बनी रहती है, उन्हें बादाम का सेवन दूध के साथ जरूर करना चाहिए। बादाम में काफी अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें की शुगर की क्रेविंग बहुत होती है, अभी खाना खाया और फिर तुरंत उन्हें कुछ न कुछ मीठा खाने की आदत रहती है और एनी टाइम उन्हें यह लगता है कि मैं कुछ मीठा खा लूं, तो हो सकता है कि उनके शरीर में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हुई हो। अगर आप अपने डाइट में बादाम को ऐड करते हैं तो ये आपके शरीर में मैग्नीशियम डिफिशियंसी को कम करेगा और आपकी जो मीठा खाने की इच्छा है उसे भी कम करने में काफी ज्यादा मदद करेगा।
जिन्हें भी बाल झड़ने की शिकायत बहुत ज्यादा होती है उन्हें बादाम को रोजाना अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बादाम में काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई जो होता है ये एक तरीके का फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ बादाम में आयरन होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन्स होता है, ये सारे जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बादाम को रोजाना अपने डाइट में ऐड करेंगे तो ये हेयर फॉल की परेशानी को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा। बादाम एक एंटी एजिंग फूड है। अगर जिन्हें भी अपनी झुर्रियों को दूर रखना है, मुहासे नहीं आने चाहिए चेहरे पे, चेहरा एकदम यंग रहना चाहिए, उन्हें बादाम को अपने डाइट में रोजाना ऐड करना चाहिए। क्योंकि बादाम को अगर आप रेगुलरली अपने डाइट में ऐड करते हैं तो बादाम आपके चेहरे में अंदर से निखार लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अब हम देखते हैं कि बादाम को हमें रोजाना कैसे लेना चाहिए। बादाम को हमेशा हमें भिगो कर लेना चाहिए। बादाम की जो ऊपरी लेयर होती है उसमें टैनिन रहता है। ये जो टैनिन है बादाम के अंदर जो प्रेजेंट विटामिन्स है और जो मिनरल्स है उसका हमारे शरीर में अवशोषण नहीं होने देता। तो हमेशा आप क्या करिए, ओवरनाइट बादाम को सोक करिए, रात को आप बादाम को भिगो के रखिए और सुबह आपको उसका छिलका निकालकर उसका सेवन करना चाहिए। ऐसे करने से बादाम पचने में भी आसानी होगी और उसके जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे हमें मिलेंगे भी। अब हम ये देखते हैं कि रोजाना हमें कितनी मात्रा में बादाम को लेना चाहिए। बादाम बहुत ही हेल्दी फूड है लेकिन साथ ही साथ बादाम में कैलोरीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में बादाम को ले लेंगे तो बादाम फायदा करने की जगह हमें उल्टा नुकसान करेगा। तो बादाम खाने का भी एक तरीका होता है, एक मात्रा में हमें लेनी चाहिए। कैसे आप पता करेंगे कि रोजाना आपको कितनी मात्रा में बादाम लेना है? जैसे कि मान लीजिए ये है मेरा थंब, ये मेरा अंगूठा है, इस अंगूठे में जितनी मात्रा में बादाम फिट होगा उतना बादाम रोजाना मुझे लेना चाहिए। हर कोई का अंगूठा अलग है, छोटे बच्चों का अंगूठा अलग साइज का रहता है, बड़ों का अलग साइज का रहता है, तो इस तरीके से आप अपने अंगूठे के हिसाब से आप जान पाएंगे कि आपको रोजाना कितनी मात्रा में बादाम लेना चाहिए। 5 से 8 बादाम लेना सेफ रहता है, कोई परेशानी नहीं है, आप 15 से 20 बादाम तक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको वजन कम करना है तो बादाम में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है और अगर आपने ज्यादा कैलोरी फूड लिया, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका वजन कम होने की जगह वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम होने की जगह ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। तो बादाम को हमेशा हमें लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि बादाम को हमें कब लेना चाहिए। बादाम को खाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है सुबह ब्रेकफास्ट का। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट के पहले भी ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट करने के 1-1.5 घंटे के बाद भी आप बादाम को ले सकते हैं। अभी मैं आप सभी के साथ बादाम की एक रेसिपी शेयर करूंगी। इसे अगर आप हफ्ते में 3 बार भी अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपके बाल झड़ने की समस्या को काफी हद तक कम करेगा, आपका स्किन अच्छा रखेगा, आपको वजन कम करने में मदद करेगा। जिनको भी कमर दर्द की परेशानी, जोड़ों में दर्द की परेशानी होती है उन्हें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगा। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है वो भी इसे ले सकती है, जो महिला स्तनपान करा रही है वो भी इसे ले सकती है, जो जिम जा रहे हैं वो भी इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो ड्रिंक होता है ये बच्चों में हाइट बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें रागी के पाउडर की जरूरत होगी। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच रागी का पाउडर लिया हुआ है और इसमें जो सादा पानी पीने का होता है वो डालकर इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आपके पास रागी का पाउडर नहीं है तो ये रेसिपी आप रागी से भी बना सकते हैं। रागी को आपको अच्छे से धोकर इसे रात भर भिगो के रखना है। मैंने यहाँ पर भी करीब 3 चम्मच रागी लिया हुआ है। फिर इसके बाद हमें मिक्सी की सहायता से इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसके बाद हमें इसे छान लेना है। फिर मैंने यहाँ पर करीब 5 से 6 बादाम लिए हैं और 3 खजूर लिए हैं। बादाम और खजूर को मैंने करीब 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। बादाम का हमें छिलका निकाल लेना है और खजूर का ध्यान रखना है कि उसमें बीज नहीं होने चाहिए। फिर मिक्सी की सहायता से हमें इसे अच्छे से पीस लेना है और ये जो रागी का जो दूध आया हुआ है इसमें हमें इस पेस्ट को ऐड करना है और इसके साथ ही साथ हमें इसमें 1 ग्लास दूध ऐड करना है। इन्हें अच्छे से मिलाकर गैस में
हमें इसे करीब 5 से लेके 6 मिनट तक स्लो फ्लेम में कुक करना है। कंसिस्टेंसी जब थोड़ी सी थिक हो जाएगी, थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, तो हो गया है हमारा हाई प्रोटीन हाई कैल्शियम रागी बादाम ड्रिंक रेडी। इसे अगर आप रोज़ाना अपने डाइट में ऐड करते हैं तो प्रोटीन और कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण से ये आपके बाल झड़ने की समस्या को कम करेगा, बच्चों में हाइट इम्प्रूव करेगा। आप एक्सरसाइज करने के 30 मिनट पहले या इसे ले सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज करने के 30 मिनट के बाद अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। रागी में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, दूध में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसका सेवन आप ज़रूर करिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल नोटिफिकेशन बटन है उसे भी प्रेस ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।